हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में, जो कि अभी हवा में हैं। हवा में इसलिए क्योंकि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उनके जो यूरोप टूर है वो शुरू हो चुका है। 17th and 18th का जो शो है उसके बारे में बात कर रही हूँ। डायनेमिक ट्रायो नाम से, जिसमें कि सलमान और शनमुखा प्रिया भी उनके साथ में है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर दो अलग अलग जगह पर है और 17th को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा था लोगों में कि जो दानिश है और जो साइली है, अगर वहां फिनिक्स में कर रहे हैं 17th को ही, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि जो पवन है दो दो जगह पर हो। तो जिसके बारे में ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है, पवन भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह की फ्लाइट से ये सभी लोग निकले हैं। पवन, उनके बैंड मेंबर्स की तरफ से कई सारे पिक्चर्स सामने आए हैं, सूरज जी के भी पिक्चर्स सामने आए हैं। हालांकि इन पिक्चर्स में, इन पर्टिकुलर पिक्चर्स जितने मैंने देखे हैं, उसमें मुझे सलमान का कहीं कोई पिक्चर नजर नहीं आया है। बट चलिए, हो सकता है इस पर्टिकुलर पिक्चर में वो ना हो, किसी और पिक्चर में हो, तो वेट करते हैं। सलमान इज अ गुड सिंगर, आई वॉन्ट टू हियर हिम मोर एंड मोर। सो एम्स्टरडेम की अगर मैं बात करती हूँ, 17th का इनका जो शो है ये है राय एम्स्टरडेम कन्वेंशन सेंटर में, जो कि 61 साल पुराने एक कन्वेंशन सेंटर है। और सबसे पहले 18th सेंचुरी में यहाँ पर एक साइकिल एक्सपो लगा था और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बाद में इसका कई सालों बाद इसका एक्सटेंशन भी किया गया है। और टोटल इसमें जो लोगों की कैपेसिटी है समाने की, वो 13,000 के आसपास है। 12,900 लोग इसमें समा सकते हैं। सर्टनली अलग अलग पार्ट्स किए होते हैं, कहीं एक हॉल नंबर एक होगा, दो होगा, तो उसमें से यहाँ पर डायनेमिक ट्रायो परफॉर्म करने वाले हैं। और अच्छा है, एम्स्टरडेम की जब मैं खोज खबर ले रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो यहाँ पर एक बार आईफा अवार्ड भी ऑर्गेनाइज किया गया था। और बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सारे कनाल्स हैं यहाँ पर और इन नहरों के बीच में क्रूज भी चलाया जाता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी कलाकार हो, जहां भी परफॉर्म करने जा रहा है, उस शहर के नजारे जरूर देख कर आना चाहिए। अच्छे अच्छे पिक्चर्स लाओ यार पवन, आप लोग शेयर करो, मजा आएगा उस शहर को देखने में, हमको भी, आपके बहाने हम भी घूम लेंगे। सो प्लीज गो, खूब एक्सप्लोर करके आना इस शहर को। अब 18th के शो की मैं बात करती हूँ, लिस्बन में है, ओला मैग्ना ऑडिटोरियम में है। जब इस ऑडिटोरियम के बारे में पता लगा रही थी तो बहुत सुंदर लगा मुझे ऑडिटोरियम। और यहाँ कुछ 1500 से ज्यादा लोगों के बैठने की, समाने की कैपेसिटी है, जहां पर पवन और शर्मप्रिया और सलमान जो है परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे इस इवेंट का विवरण बड़ा अच्छा लगा। 18 सितंबर को लिस्बन पहली बार उन गायकों की शानदार टिकड़ी प्राप्त करेगा जो पुर्तगाल और दुनिया भर में भारतीय मूल के दर्शकों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर चुके हैं। पुर्तगाल में एशियाई मूल का विशाल समुदाय, जैसे हिंदू, इस्लामी, उसके अलावा इस्माइली, नेपाली, बांग्लादेशी, पंजाबी, अन्य लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय गीतों को लाइव सुनने का अवसर नहीं छोड़ना चाहेंगे वहां के लोग। और साथ ही में उन्होंने पवनदीप के बारे में लिखा है, पवनदीप राजन एक भारतीय गायक, द वॉइस इंडिया 2015 और इंडियन आइडल 2020-21 के विजेता हैं। वहीं शर्मुखा प्रिया के लिए लिखते हैं, एक भारतीय गायिका हैं जिन्होंने सारेगामापा लिटिल चैंप्स 2017 और इंडियन आइडल 2020-21 जैसे शो में भाग लिया, तेलुगु और मराठी फिल्मों में गाया है। और वहीं सलमान के लिए लिखते हैं, एक भारतीय गायक हैं जो इंडियन आइडल 2018 कार्यक्रम के विजेता हैं और बॉलीवुड फिल्म जगत में कई गाने पहले ही गा चुके हैं। सो अच्छा विवरण था, मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं तो चाहती हूँ कि ये डायनामिक ट्रायो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। और साथ ही में फीनिक्स के लिए आपके दानिश और साइली निकल चुके हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन सारे पांचों के पांचों लोगों को ऑल द बेस्ट कहा जाना चाहिए। जय हिंद।